उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अमित जमई हैं। अमित साहब, देवरिया में जो घटना हुई है, दो छात्राओं को दिन दहाड़े छेड़छाड़ हुई, CCTV में वो रिकॉर्ड होता है, उसके बाद लेकर के लगातार जो है कार्रवाई की बात की जा रही है, अमेठी की घटना हुई है, इन तमाम घटनाओं को लेकर के क्या सरकार संजीदा नहीं है? हालांकि दावा किया जा रहा है कि कार्रवाई कर रही है सरकार। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का यूपी में जो सिचुएशन है, ऐसा लगता है कि तालिबानी राज चल रहा है। चाहे वो हाथरस में नरबली का मामला हो, चाहे ये देवरिया का पूरा मामला हो, जहाँ से इनके बड़बोले विधायक शलभमणि त्रिपाठी विधायक भी हैं, अभी तक जो है उस पीड़िता को न्याय नहीं मिला, जो हमारे यहाँ बेटियों का रोज़ का हाल है। और ये जो अमेठी की घटना है, आप सोचिए कि इसमें पीड़िता ने तकरीबन एक महीना पहले पुलिस को लिखित पूरा डिटेल में सारी बात उसने बताई है, लेकिन पुलिस का जो मामला है वो ये है कि थाने पे अगर आप सेटिंग कर लीजिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। महिलाओं को लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस थाने में ये पूरा मामला गया है, हम कह रहे हैं कि उस कप्तान को क्यों ना हटाया जाए जिले के, कि आप बताते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर बेटियों के साथ कुछ हुआ तो हम घर बुलडोज कर देंगे, लेकिन जिस पुलिस अफसर की वजह से ये सारे लोगों के जाने गई हैं, उसके पति की, खुद उसकी पीड़िता की और दोनों बच्चों की, उसका जिम्मेदार तो शासन है ना। लेकिन देवरिया के मामले पर अगर आए, वहाँ पर बाकायदा वीडियो है और उसके बावजूद भी है कि कार्रवाई होने में देर होती है, दोनों बच्चियाँ छात्राएं हैं, क्या लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी हो सकता है कि उसमें कोई यादव नाम ढूंढ रहे हों, इसलिए समय लग रहा है। उत्तर प्रदेश में बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, ये बात समाजवादी पार्टी आज से नहीं कह रही है। आखिर में 1090 की जो हमारी हेल्पलाइन थी, जो विशेषकर सिर्फ महिलाओं के लिए माननीय अखिलेश जी ने बनाई थी, आपने उसको तबाह बर्बाद कर दिया, आपने उसको ख़त्म कर दिया। तो मुख्य बात यह है कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे हेट स्पीच का मामला हो, अभी पश्चिम में क्या हो रहा है, आखिर ये पुलिस की ही तो गलती है। एक एक साइकोपैथ बाबा जो कहता है कि जो रावण थे उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके साथ जो वध हुआ वो गलत हुआ, तो वो हिंदू धर्म की आस्थाओं को भी चोट पहुंचा रहा है, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जो कुछ हो रहा है, ये बात कैसे सरकार इसका समर्थन कर सकती है, ये बात हमें समझ में नहीं आ रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर चाहे किसी भी मामले का हो, वो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो चुका है, और अमेठी का जो कप्तान है, इमीडिएट उसको सैक करने का काम करना चाहिए। महिला पे अत्याचार की आप बात करें, लेकिन दूसरी तरफ जो है बुलडोजर का एक्शन होता है तो भी आपको आपत्ति हो जाती है। आप गौचर भूमि को अवैध कब्जों से छुड़ाने की बात हो रही है, बाकायदा उसको लेकर के कार्रवाई चल रही है, सरकार का दावा है कि इन भूमियों को छुड़ाया जाएगा जहां अवैध कब्जे हो रहे हैं। देखिए, एक बात सही, हम चाहते हैं कि जो चारागाह है हमारे उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू में, जो उसका नाम है वो चारागाह है, वो हर ग्राम पंचायत में है, लेकिन आपको ना चारागाह मिलेगा, ना घुरगड्ढा मिलेगा, ना वहाँ पे बैठने की जो जगहें होती थीं सामूहिक, ये तीनों ज़मीनें आज के वक्त में गायब हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कोई काम कर रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उस पर नज़र क्या है? नज़र ये है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कब्ज़ा करवाना है ज़मीनों को। आपने बीच में न्याय पंचायतों में गौ सेवा के लिए आपने ज़मीनें अलॉट करी, आपने कहा कि जितनी भी छुट्टा गायें बैल हैं उनकी देखभाल सरकार करेगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भ्रष्टाचार करके पूरा पैसा ये लोग चबा गए, ये तो सबको मालूम है। हर न्याय पंचायत में जो गौशालाएं बनी थीं आज भ्रष्टाचार का शिकार है, और वही इन ज़मीनों के साथ भी होने वाला है। साफ तौर पर कहना कि महिला अपराधों को लेकर के विपक्ष के बड़े सवाल हैं, और खासतौर पर देवरिया की घटना ने सबको चौंका कर रख दिया, जहां पर दो छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ के बाद भी अभी तक कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा आज तक।